नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। आज के वीडियो में बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए सिंगर छोटू पांडे की जिंदगी की अनसुनी बातों की, जिनकी एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। दिवंगत सिंगर छोटू पांडे की गिनती भोजपुरी इंडस्ट्री के उन कलाकारों में होने लगी थी जो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने लग गए थे। इंडस्ट्री के बड़े और नामी चेहरों से इन्हें खूब तारीफें मिलती थी, ये कहीं न कहीं सबके चहेते बनते जा रहे थे। इनके गांव में तो लोग इनकी तुलना भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से करने लगे थे। खैर, बहुत ही कम समय में भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड में इन्होंने अपने सुपरहिट गानों से अपना नाम बना लिया था, तभी तो इनकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई थी। लोग इनके गाने सुनना पसंद करते थे, लोग इनको बहुत जानने लगे थे। अगर बात करें इनके गाए हुए कुछ सुपरहिट गानों की, तो राजा जी फेरी करवट, फोन काटर तारू का, दूसरा से पट गैलू का, कलकतिया बालम, दुश्मनवा और करेजा धड़केला थे। इन्होंने इंडस्ट्री की हाई पेड सिंगर्स में से एक शिल्पी राज के साथ भी गाना गाया था। यहाँ तक कि ये साल 2023 की एक भोजपुरी फिल्म सबकर दुलरुआ हवन में नजर भी आए थे। अब बात करते हैं छोटू पांडे के फैमिली बैकग्राउंड पर। छोटू पांडे बिहार के बक्सर जिले के घेवरिया गांव से आते हैं। ये चार भाई हैं, जिसमें से दो मेडिकल लाइन में हैं, जबकि एक भाई इनके पिता विजय शंकर पांडे के साथ ही गांव में पुरोहित का काम करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, छोटू पांडे ने अपना करियर सिंगिंग में अपने दादा सागर पांडे से इंस्पायर होकर बनाया था, क्योंकि इनके दादा भी एक अच्छे गायक रह चुके थे। बहरहाल इनकी मौत की खबर सुनकर इनके गांव और भोजपुरी इंडस्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ है। भगवान इनकी और इनके साथ मरे तमाम लोगों की आत्मा को शांति दे, पूर्वांचल लाइव ये प्रार्थना करता है। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।